अपनी मांगों को लेकर समाज सेवी नेता अन्ना हजारे ने एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आपको बता दें कि किसानों की बदहाली और लोकपाल के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भूख हड़ताल आज चौथे दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने साफ कर दिया है कि जब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। अन्ना हजारे ने कहा कि भूख हड़ताल से कुछ वजन जरूर कम हुआ है, लेकिन अगले 10 दिनों तक कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में जब तक प्राण है आंदोलन करते रहेंगे। हमने प्रण लिया है कि आजीवन समाज के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक मंत्री का फोन चर्चा के लिए आया था, लेकिन मैंने साफ कहा कि कुछ बड़ा फैसला लेकर ही चर्चा के लिए आए। जाहिर है कि 7 साल पहले हुए लोकपाल आंदोलन जैसी भीड़ रामलीला मैदान में नहीं जुटने पर अन्ना ने कहा कि किसानों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जो बात कह रहे हैं उसे समाज के सामने जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। 6 राज्यों में अनशन हो रहे हैं, कितना रोकेंगे? 2-3 दिनों में आंदोलन और बढ़ेगा। अन्ना ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोषी हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।